नगर परिषद ने बुधवार को दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने के कारण दो दुकानों को सील कर दिया है। वहीं बड़े चौराहों पर मास्क नहीं पहनने वालों को हिदायत दी गई है और उठक बैठक लगवाई गई है। मंगलवार की देर शाम स्थानीय परिसर में हुई बैठक में SDM BS सोलंकी के निर्देशन के बाद यह कार्रवाई की गई है। नगर परिषद प्रभारी CMO मनोज गंगराड़ी ने बतलाया है कि नगर के गुर्जर हार्डवेयर एवं जुगल ट्रेडर्स पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया है, इस कारण से यहां सील करने की कवायद की गई है। वहीं मास्क ना लगाने वालों को भी हिदायत दी गई है और उन्हें पनिशमेंट भी किया गया है। तो वहीं 300 से ज्यादा निःशुल्क मास्क बांटे गए हैं। गुरुवार से मास्क नहीं लगाने वालों से 100 रुपए वसूला जाएगा। आपको हम बता दें कि मंगलवार शाम SDM BS सोलंकी ने व्यापारियों की बैठक में नियमों का पालन कराने की हिदायत भी दी थी, उल्लंघन करने पर कार्यवाही की चेतावनी भी दी थी। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए भीकनगांव से प्रवीण गंगराड़े की रिपोर्ट। कि आपने देखा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने से दुकानों पे सील लगाई गई। आज कल रात में SDM साहब द्वारा थाने में जैसे कि निर्देश दिए गए थे कि दुकानों के आगे घेरा बना के 5 लोगों से अधिक की भीड़ नहीं होना चाहिए, पर इनके द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करना और गोले दुकान के सामने गोले नहीं होने से इनकी दुकानें सील करी गई। क्या थी पूरी कार्रवाई, कब तक के लिए सील की गई है? ये वैसे तो 7 दिन का बोला था साहब ने, अब 7 दिन के लिए है। 7 दिन आज 2 दुकानों पर कार्रवाई की गई, युगल ट्रेडर्स और गुजर हार्डवेयर पर। क्या ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी? जारी रहेगी, शिकायत यदि मिलती है इस टाइप से, यदि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे तो कार्रवाई चालू रहेगी।